मैं बीके मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और ये वीडियो सोशल साइट पे और ये थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस हो सकता है, अतः बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे। आज क्लास में जब मैं कंपटीशन वाला क्लास में था, ऑफलाइन का क्लास जो चलता है, तो मैं क्लास में जब था तो वहाँ पे कुछ विद्यार्थी थे, कंपटीशन का क्लास जो चल रहा था उसी में विद्यार्थी कुछ पूछे कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी 19 लाख नौकरी लेकर के आए हैं, तेजस्वी यादव तो 10 लाख की नौकरी में ही सिमट गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 19 लाख नौकरी का वादा किया था और 19 लाख में से उनका सरकार भी बना, अभी तो कोई घोषणा नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके भक्त लोग आपसे दुखित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने चुनावी समय में वादा किया था वो वादा पूरा करने का समय आ गया है, आपका भक्त दुखित ना हो। मैं भी स्वयं आपका भक्त आदमी हूँ और हो भी क्यों नहीं, होना भी चाहिए। मैं आपका भक्त आदमी हूँ और सब जितना भी हमारे आसपास रहते हैं हम आपका भक्त भक्त ही समझते हैं कि आपका भक्त है। कोई बुराई करता तो हम ये चाहते कि ना करें, लेकिन अब आपका दायित्व है कि 19 लाख जो वादा किए थे तत्काल कम से कम 5 लाख नौकरी का अनाउंसमेंट जरूर कर दें ताकि युवाओं में कुछ शांति कायम रहे और युवा ये विश्वास कर ले कि 19 लाख का वादा किया गया कम से कम 15 लाख नौकरी जरूर मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यही चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी, मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि जो वादे आप एग्जाम के समय में इलेक्शन के समय में चुनाव के समय में जो आपने किया था वादा पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि विद्यार्थी है बौखलाहट है, बेरोजगारी है बौखलाहट है, सब कुछ बौखलाहट है। इस विधानसभा चुनाव में आपको अपने सीट के बारे में अंदाजा लग गया होगा कि विद्यार्थियों में और लोगों में असंतोष की भावना आपसे व्याप्त हो रही है और हम चाहते हैं कि इन सबका दिल जीते रहें। आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसे ही कुछ उन्नति करते रहिए, बेहतर करते रहिए, राज्य के लिए कुछ बेहतर करते रहिए, लेकिन साथ में युवाओं का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। युवाओं का सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब युवा बेरोजगार नहीं होंगे, हर किसी के हाथ में रोजगार होगा, कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा, तब आपके सपोर्ट में हर कोई होगा। तो आप थोड़ा सा इन युवाओं पे ध्यान जरूर दें, 19 लाख की जगह पे कम से कम 15 लाख इंस्टॉल में ही दे दीजिए, 5-5 लाख करके 3 बार इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट में जिस तरह अभी फॉर्म कोई भी भराता है तो कैसे देखते नहीं है कि रेलवे का फॉर्म कितना भरा या 500 रुपया ले गया ये वो, जिस तक दुनिया का फॉर्म भराने के लिए आता है और एग्जाम होता है 3-6 साल बाद, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है और इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बाकी राज्य में सब कुछ बेहतर चल रहा है, युवाओं पे बेहतर है, युवाओं पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि युवा अगर पगलेट तो सब पगलेट। जय हिंद।